हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों का फ्राई चावल, यानी जो चावल रात में बच जाते हैं या दोपहर में हम ज़्यादा बनाएंगे, शाम में कोई खाता नहीं, तो वैसे चावल तो उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे इस तरीके से बनाएंगे तो झटपट सब ख़त्म हो जाएंगे। बल्कि हमेशा आपसे कहेंगे आपके घर वाले कि अगर चावल बचे हैं तो प्लीज़ वैसे बनाइए ना फ्राई चावल, ठीक है? बहुत ही टेस्टी भी लगता है, दिख रहा भी बहुत खूबसूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। गैस का फ्लेम फास्ट है, पतीली गर्म हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसे गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और इसे तड़कने देंगे। चार पांच हरी मिर्ची कटी हुई डालेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ते के पत्ते। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। देखिए अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें थोड़े से सेंगदाने डालेंगे। एक मुट्ठी ले लीजिएगा अपने हिसाब से और इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे, यानी सेंगदाने गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। देखिए सेंगदाने अच्छे गुलाबी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दो प्याज बड़े हमने जो काट के लिए हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को मत डालिए, डायरेक्ट इसमें चावल डाल सकते हैं आप, मगर प्याज डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है हमारा फ्राई चावल। इसे थोड़ा हल्का नरम करने तक पकाएंगे, गुलाबी नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने रात के बचे हुए चावल लिए हैं, इसे हाथों से अच्छी तरह फोड़ दिया है। अब हमारा प्याज नरम हो रहा है। अब हम इसमें नमक डालेंगे एक चम्मच, एक चम्मच हल्दी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि पूरे मसाले में हल्दी और नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसमें चावल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और कंटिन्यू मिलाते रहेंगे, तभी तो हमारा चावल का कलर अच्छी तरह पीला आएगा। वरना अगर हम एक साथ पूरे चावल डालेंगे तो आधे चावल सफ़ेद ही रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और हिलाते रहिए। देखिए ऐसा लग रहा है हम कांदा पोहा बना रहे हैं, मगर नहीं, हम बचे हुए चावलों को फ्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम पूरे चावल डाल दिए। आधा नींबू ली हूँ मैंने, इसे निचोड़ेंगे और इसका रस डाल देंगे सब तरफ, तो हमारा फ्राई चावल खट्टा नमकीन बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह वापस से मिक्स कर देंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमने अभी ताज़े चावल बनाए हैं या खिचड़ी बनाई है, मगर ये फ्राई चावल बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि चावल अच्छी तरह दम में आ जाए और तमाम मसाले इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है? 15 मिनट हो गए हैं, अब हम खोल के देखते हैं। माशाल्लाह, देखिए हमारे चावलों में से भाप निकल रही है। अब हम इसे मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत बने हैं हमारे चावल और ऐसा लग रहा है अभी हमने नए ताज़े चावल बनाए हैं। बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं हमारे चावल और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब हम मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए प्लेट में डालते ही इसका कलर और खिल गया है और भाप भी माशाल्लाह अच्छी निकल रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको पूरे सर्व करने के बाद बताती हूँ कि कैसे दिख रहे हैं। देखिए अब हमारे फ्राई चावल खाने के लिए तैयार है, तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए।
बहुत ही टेस्टी और चटपटे बने हैं। तो अगर आपको मेरा चावल बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके फ्राई चावल कैसे बने। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।